वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस पेपर वन, और बच्चों ये है पार्ट फोर। हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस किया है ना, और ये है हमारा पार्ट फोर। दिस इज नॉट थ्री, एक्चुअली आई हैव टू रब इट। ओके, पार्ट फोर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 31। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक डिस्कस करेंगे। सो थ्री चार्जेस, कैपिटल क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एज शोन, जैसे कि हम देख रहे हैं हम फिगर। इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, तो ये कंडीशन आपको दी जा सकती है। देन क्यू इज इक्वल टू, तो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालो क्या होगी। अब थोड़ी बहुत बात जो हम समझ सकते हैं इस सिचुएशन को देखकर, कैसे इधर से इधर जाएगा इधर से इधर जाएगा, तो थोड़ी सी बात हमारी समझ में आ रही है कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये श्योर हैं, ये पक्का है, तो ये निश्चित रूप से नेगेटिव होगा, तभी जाकर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो सकती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो मैं यहाँ पे इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, तो के क्यू क्यू बाय एल ये आया, फिर आया के क्यू क्यू अपॉन एल यानी दूसरा पेयर, फिर आया तीसरा पेयर के क्यू क्यू बाय एल। आप समझ गए होंगे, ए बी बी सी एंड सी ए, तो ये टर्म रिपीट हो रही है। एंड द कॉमन फैक्टर इज के स्मॉल क्यू अपॉन एल, रिमेनिंग इज टू कैपिटल क्यू जो रिपीट हुई टर्म प्लस स्मॉल क्यू, और ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अब यहां से साफ साफ हमें वैल्यू मिल रही है, क्यू मस्ट बी इक्वल टू माइनस क्यू बाय टू, तो बात बन जाएगी। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा। अगर एनर्जी नेगेटिव है तो हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, पॉजिटिव बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और जीरो है तो हम बोलेंगे कि सिस्टम का न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। तो यहाँ जीरो के लिए पूछा है आपको, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 32, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी। ठीक है, कंडक्टर की कैपेसिटी की बात हो रही है बच्चों, गौर करें, कैपेसिटर की कैपेसिटी की बात नहीं हो रही है, कंडक्टर की कैपेसिटी की बात हो रही है। तो अंतर क्या है, कंडक्टर की कैपेसिटी पोटेंशियल पर डिपेंड करती है, पोटेंशियल डिक्रीज करके कंडक्टर की कैपेसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, पर कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम पोटेंशियल डिक्रीज करके नहीं बढ़ा सकते हैं, इस बात को समझना होगा आपको। ओके, यहां देखते हैं, पोटेंशियल भी तक चार्ज किया, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स, ओके, दो स्फेरिकल कंडक्टर मिलकर कैपेसिटर भी बना सकते हैं, वी माइनस वी। दीज आर देन कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ फाइन वायर, वायर तो नेचुरल है, कंडक्टर होगा, तो एनर्जी का लॉस कितना हुआ, एनर्जी का लॉस हमें बताना है। तो एनर्जी का लॉस कैसे निकालेंगे, वैसे जो फॉर्मूला है वो आपको याद होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस में एनर्जी का लॉस होता है हाफ, मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ फॉर्मूला, C1, C2, क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है जो आपको याद रह ही जाता है, इनटू C1 प्लस C2, ये तो कैपेसिटी हो गई उनकी, और यहां आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो हर एक की कैपेसिटी C और V और माइनस V तक हमने उनको चार्ज किया है। तो आप देख रहे हैं कि अगर लॉस इन एनर्जी मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करता हूं तो हाफ तो ऐसा का ऐसा आ गया। अब ऊपर C1 भी C है, C2 भी C है, तो ऊपर C स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया 2C। ठीक है, ऊपर C स्क्वायर नीचे 2C, तो एक C कट गया तो हमारे पास बचा C/2। और यहां पर V1 V है और V2 है माइनस V, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ हो गया 2V। 2V का स्क्वायर करेंगे तो 4V स्क्वायर, तो ये 4 ऊपर नीचे कट गया बच्चों, तो आंसर आपको दिखने लग गया CV स्क्वायर।
दिस मच एनर्जी गेट लॉस्ट, ये तो फॉर्मूले से आ गए। और बिना फॉर्मूले के फिजिकली कैलकुलेट करना चाहें कर सकते हैं, कोशिश करना सोचने की इस बारे में। मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम सर पे है आपके, है ना। जब एग्जाम सर पे नहीं होगा तब पढ़ेंगे तो मजा लेके पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स को। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, सेल जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, उसको हमने वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के अक्रॉस जोड़ा। यानी आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज द सिचुएशन, सेल जिसका ईएमएफ कैपिटल ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, इसको आपने जोड़ा, रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, दिस इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अब ये कह रहे हैं आपसे, अच्छा आर वेरिएबल है, वेरिएबल है तो इसको हम वेरिएबल बना देते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। अब अगर आर को बढ़ाया जाए, आर को हमने बढ़ाया, आर इज इंक्रीज, द प्लॉट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस आर इज गिवन बाय, तो अक्रॉस नहीं होना चाहिए, विद आर होना चाहिए, ठीक है, दिस शुड बी विद। जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, उसका क्या होने वाला है? तो आप जानते हैं V क्या होता है, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है डिस्चार्जिंग मोड में, E माइनस आई आर। आर मान लेते हैं फिक्स है, वैसे तो आर जो है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल पर डिपेंड करता है, किताबों में लिखा नहीं रहता करंट ड्रॉन फ्रॉम, ज्यादा करंट खींचेंगे ज्यादा आयंस को फ्लो होना पड़ेगा, ज्यादा टकरे होंगी, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पर हम उस फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हुए चलते हैं। अगर मैं कैपिटल आर को बढ़ाता हूं तो आई का क्या होने वाला है? अगर मैं कैपिटल आर को बढ़ाता हूं, इसको मैंने बढ़ाया जैसे कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे वैसे हम करते चलते, तो ये आई डिक्रीज होगा, ये आई डिक्रीज होगा, तो ये जो डिफरेंस है ये इंक्रीज होगा। और आप समझ सकते हैं जब आई जीरो हो जाएगा तो वी ई के बराबर हो जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं R tending towards infinity, then I will tend towards zero, then V will tend towards EMF E. अब देखिए कितना सिंपल हो गया सॉल्यूशन, अब कुछ भी पूछ ले हम जवाब दे सकते हैं। तो स्टार्टिंग कहां से होगी? जब कैपिटल R जीरो है, जीरो है मीन्स शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट है तो V भी जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, किसी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, यानी स्टार्टिंग जीरो से होगी, जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ, तो अब बाकी दोनों ग्राफ तो रिजेक्ट हो गए ना आपके, तो दोनों रिजेक्ट हो गए। अब इनमें आप क्लियर कट पहचान सकते हैं कि ईएमएफ कभी रीच नहीं करेगा क्योंकि आर टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, ये बहुत पूछा जाता है सवाल, then the deflection in galvanometer will be, आपको थ्योरी में रटा दिया जाता है, not change. Logic simple सा है, जब P upon Q R upon S है, यानी ratio of resistances in adjacent sides of the Wheatstone bridge, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं P upon R equal to Q upon S, तो इसी वजह से हम diagonals को interchange कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मींस बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज कर सकते हैं जो डायगोनल्स के अक्रॉस लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 35, द मैक्सिमम करंट की बात हो रही है, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसे नापा जा सकता है किससे? गैल्वेनोमीटर से, जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम, यानी आपको दे दिया गया है कैपिटल जी 40 ओम, वो है 10 मिली एम्पियर, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई सब्सक्रिप्ट जी is 10 milli ampere, यानी 0.01 ampere, okay 0.01, 10 into 10 की power minus 3, it is converted into voltmeter, इस galvanometer को हमने voltmeter में बदला जिसकी range है 50 volt, so V is given to us 50 volt, तो resistance कितना लगाना होगा, यानी you have to calculate the series resistor, तो अगर आपको formula याद है तो question आसान है, फॉर्मूला है बच्चों R इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस जी, नहीं याद है ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हैं,
और नहीं तो फिर ऑप्शन ये बच जाता है कि उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके पास चार चॉइस भी तो है। सो वैल्यू ऑफ वी 50। अभी तो टाइम है बच्चों, अभी जितनी गलतियां करनी है इन पेपर्स में कर लो, क्योंकि यही कंसेप्ट आने वाले हैं वापस से। तो जब आपका फॉर्मूला यहाँ तैयार हो गया, आपको रट जाएगा और भी पेपर में यूज होगा, तो हमारा काम बन गया। बस यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.01 और यहाँ लिखूंगा माइनस 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 40। तो हम देख रहे हैं 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा, और सॉरी -2 ऊपर जाएगा, +2 बनेगा, यानी 50 तो पहले ही है, 2 जीरो और लग जाएंगे, 5,000, 5,000 में से 40 गए, तो 5,000 -40, सो जस्ट इमेजिन आपको दिए गए 5,000 रुपए, और उसमें से 40 रुपए आपको कहीं खर्च करने पड़े, तो आपके पास कितने बचे? कितने बचे बच्चों? ठीक है, कितने पैसे हैं अभी आपके पास, है ना? मजा आ गया, खूब खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इस सर्कुलर करंट लूप, सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम, दिस एम शुड बी स्मॉल एक्चुअली, पर ठीक है, अब इन्होंने दिया तो हमें मानना पड़ेगा कैपिटल। एक्चुअल में एनसीईआरटी में नोटेशन क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल एम। अब यहाँ कैपिटल एम दिया तो हम मान लेते हैं। इन एन आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन, इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, ये किसी आर्बिट्रेरी ऑर्बिट ओरिएंटेशन में पड़ा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी में। वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके एक्सिस के, ये इसका एक्सिस हो गया बच्चों, के परपेंडिकुलर किसी प्लेन में घुमाने के लिए, परपेंडिकुलर प्लेन में घुमाने के लिए। ओके, तो इमेजिन करना पड़ेगा आपको 3D में आप कैसे घुमाने वाले हैं इसको। जैसे मेरे पास अभी यहाँ लूप तो नहीं है, जस्ट इमेजिन करते हैं अभी हम। तो 30 डिग्री घुमाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क डन होता क्या, वर्क डन का फॉर्मूला वो याद कर लेते हैं, सिमेट्री से ले आते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन मैग्नेटिक डाइपोल का हो गया, और मैग्नेटिक डाइपोल का हो गया इसलिए आने के चांसेस कम है, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल वाले जो डेरिवेशन के रिजल्ट हैं वो तो हटा दिए गए हैं, डिलीटेड पोर्शन में है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। तो उधर होता है PE1 - cos θ, यहाँ होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एक तो एक वर्क डन का फॉर्मूला है। तो वर्क डन टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्री, 30 डिग्री मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों, MB1 - cos θ, MB1 - cos θ। अगर इसको स्टेशनरी स्टेट, मतलब इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट से घुमाया जा रहा है, तो ये आएगा MB1 - cos θ, और स्टेबल इक्विलिब्रियम से नहीं घुमा रहे हैं तो फिर cos θ1 - cos θ2 आएगा। तो इनिशियल पोजीशन हमें पता नहीं है, ये बोल रहे हैं आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो अब 30 डिग्री से घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं डायरेक्ट। तो अगर इससे मैं रिजल्ट निकालता हूँ, cos 30 आप जानते हैं √3/2, तो √3/2, 1 - √3/2, 1 - √3/2, सो व्हाट वी गेट, 2 - √3/2। जैसा ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं, दिख नहीं रहा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों, क्या ये डेटा जो इनकम्प्लीट सा दिख रहा है, आर्बिट्रेरी और 30 डिग्री, और फिर यहाँ बोल दिया अबाउट इन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो अब आपके समझ में आना चाहिए कि ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ये अप्रोच बता रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो अब आपका इमेजिनेशन काम करेगा, सर्कुलर लूप मैग्नेटिक मोमेंट एम, तो मेरे को एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये है, मान लो ये लूप है, ठीक है, तो ये लूप है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका एम है, जिसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली ये मान लेते हैं हम, आर्बिट्रेरी ओरिएंटेशन में कैसे भी पड़ा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, इसको 30 डिग्री से घुमाना है, किस एक्सिस के ऊपर, एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको 30 डिग्री से घुमाना है, घुमा सकते हैं ना। तो आप देख रहे हैं कि कोई फ्लक्स नहीं कट रहा, कुछ भी नहीं, तो इस डायरेक्शन में घुमाने में वर्क क्यों करना पड़ेगा? ऐसे घुमाते
फ्लक्स कटता तो वर्क करना पड़ता। सो जिस प्लेन में हम घुमा रहे हैं वहां पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ गया इसका? जीरो। फिर हम चेक कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 37, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज एफ। ये आपको दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। इनफाइनाइट या लॉन्ग कंडक्टर्स दिए हुए लैंग्वेज में, तो बच्चों ये फॉर्मूला है म्यू जीरो आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। दिस इज द फॉर्मूला। और ये किसका? एफ का नहीं है, ध्यान रखना है, एफ बाय एल का है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इफ द करंट इन ईच कंडक्टर इज डबल्ड, दोनों के करंट को आपने डबल कर दिया, तो टू टू फोर का फैक्टर आ गया, देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है 4F। क्वेश्चन नंबर 38, ऐसा यूनिट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्लियरिटी होनी चाहिए। ये होती है वेबर। और वेबर किसके इक्विवेलेंट होता है? वेबर इज इक्विवेलेंट, और इक्वल टू कर देता हूं मैं, वेबर इज इक्विवेलेंट टू टेस्ला मीटर स्क्वायर। कैसे? ये है सही तरीका टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखने का, इसमें सब तरीके गलत लिखे हुए सब। ठीक है, टेस्ला के लिए सिंगल लेटर कैपिटल टी आएगा, टेस्ला मीटर ऐसे लिखेंगे क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पर है यूनिट, तो ये समझ के चलना, भले उन्होंने लिख रखा है ऐसे, बट दिस इज द रॉन्ग मेथड। तो हम जानते हैं फाई होता है बी डॉट ए, तो यहां से आपको समझ में आ रहा है टेस्ला मीटर स्क्वायर, और वेबर में नापते हैं इसको, तो करेक्ट ऑप्शन है सी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अलग नापते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वोल्ट पर मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यूनिट याद रखना, यूनिट पे दो क्वेश्चन तो मिलने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम तो आएगी आएगी, पता ही सबको आएगी, पर ये मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आएगी बच्चों। सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज। तो गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक मोनोपोल नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, चुंबक के एकल ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होने की वजह से ये हमेशा शून्य होगा। तो एक और आंसर आपको मिल गया शून्य, जीरो। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस इज जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द करेक्ट स्टेटमेंट, मोशनल ईएमएफ के बारे में बात हो रही है, तो मैं फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, मोशनल ईएमएफ होता है बी वी एल साइन थीटा, और लगा देते हैं अगर थीटा 90 नहीं है, और मोशनल ईएमएफ होता है अगर घुमा रहे हैं तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, सीधा चला रहे हैं कंडक्टर को तो बी वी एल, और घुमा रहे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो बोले इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अच्छा, ये तो डायरेक्टली है, मोशनल ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो डायरेक्टली है। मोशनल ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बात तो सही है, मोशनल ईएमएफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें अपना आंसर मिल गया। इसके लिए हमने चारों ऑप्शन पढ़े हैं, इतनी मेहनत की है ना, ध्यान रखना। अब ये एक चेक कर लेते हैं हम आंसर, जिसमें हमें थोड़ा सा डाउट था 36, तो 36 का आंसर यहाँ पे हम देख रहे हैं, दिख रहा है हमें जीरो, तो आपको समझ में आ गया होगा लूप किस तरह से घुमाया जा रहा है। तो बच्चों आई थिंक दिस मच इज सफिशियंट इन दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 41 से लेकर 50 तक हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, या फिर पूरे ही कर लेंगे, है ना, 15 सवाल पूरे कर लेंगे 55 तक नेक्स्ट पार्ट में। तो हर पेपर के मैं 5 पार्ट बनाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है। सो अप टू हियर पार्ट 4 एंडेड एंड नाउ दिस विल बी पार्ट 5। और साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि ये जो पीडीएफ मैंने पूरी मार्क की है, मैं इसका लिंक आपको अवेलेबल कराऊंगा इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के, इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में, तो वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे, और इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल आई थिंक। सो हैप्पी लर्निंग।